शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रदर्शनी बनो, उनके सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस करो, वैक्सीन करो। मैं जानता हूं कोई कमिटमेंट कमिटमेंट नहीं है तुम्हारी, तुम किसी और मर्द के साथ वक्त गुजारो। मिस मुखर्जी, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। यस प्लीज। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, दी बेस्ट है। मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूँ। I've always won. And I must congratulate you for that. वैसे आप इसीलिए यहाँ पर हैं। इस सिचुएशन में सबसे पहले मेरे माइंड में आप ही का नाम फ्लैश हुआ। थैंक्स। वैसे इस रिकॉर्ड को बनाने के पीछे दो रीज़न। पहला ये कि मैं ऐसे किसी भी केस को हाथ नहीं लगाता जिसमें 1% भी झूठ हो, और दूसरा ये मुझे मेहनत करना पसंद नहीं। I'm sorry, I didn't get you. देखिए, सच को प्रूव करना आसान होता है और झूठ को प्रूव करने में मेहनत लगती है, वो मैं करना नहीं चाहता। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई नीड दिस श्योरिटी फ्रॉम यू। Whatever you're telling me is the truth. मैं सुनियो, मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं। जीत हमेशा सच की होती है। मेरे किसी भी केस में अगर किसी ने मुझसे कभी कुछ झूठ बोला या फिर छिपाया, मैंने उस केस को वहीं छोड़ दिया। दो दिन में केस की हियरिंग शुरू हो जाएंगे। Let's prepare for that. मिस्टर प्रशांत, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया है। Believe me with this. Thank you.
केस नंबर 345 एमएसएम, इसकी कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूशन लॉयर, आप अपनी दलील पेश कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस सोनिया मिहिर, मिसेस सोनिया, एक्चुअली वो मीडिया में आपको मिसेस सोनिया मिहिर के नाम से ही जाना है, तो आ सकता है। प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन कोर्ट को खुद दें। जी एक्चुअली ये फिल्म मेरे दिल के काफी करीब है। इसमें जो मैं मीरा का कैरेक्टर निभा रही हूँ उसे मैं पर्सनल लाइफ से काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ। इंडस्ट्री की कोई भी टॉप एक्ट्रेस होगी तो वो इस रोल को मना नहीं कर पाएगी, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये कैरेक्टर निभाने का मौका मिला, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो आप भी जल्दी से हमारी पिक्चर को थिएटर में ज़रूर देखिएगा। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री सोनिया मुखर्जी, आपने इतनी फिल्में की हैं और उसमें तरह तरह के किरदार निभाए हैं, शायद उसी वजह से लोग आपको इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने अपने निजी जीवन में भी बहुत सारे किरदार निभाए हैं, शायद वो किरदार आपके अपनों को पसंद आए हैं, या शायद नहीं। मैं रियल लाइफ में किरदार नहीं निभाती मिस्टर त्रिपाठी, किरदार निभाती हूँ तो अपने कैमरे के सामने बस। मैं रियल लाइफ में रियल रहना पसंद करती हूँ। Oh, I see. आई होप जो आप बोल रही हैं वैसा ही हो। वैसे मैंने आपकी लास्ट फिल्म देखी थी। What a performance! क्या रोल अदा किया आप? सीरियल किलर का रोल आपने बखूबी निभाया। उम्मीद करता हूं कि आप रियल लाइफ में बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस रोल से इंस्पायर होकर आपने स्टेप लिया? No! मैंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया मिस्टर त्रिपाठी। मैंने आपसे अभी अभी कहा ना कि कैमरे के सामने और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ सोनिया जी, राइट राइट राइट, मैं समझ गया। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप जब एक्टिंग करती हैं तो आप रियल हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा एक्टिंग करते हैं। मिस्टर त्रिपाठी चलिए छोड़िए, ये बताइए कि आपके पति मिहिर से आपकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? हम एक इवेंट में मिले थे। एक्चुअली वो इवेंट मिहिर ने ऑर्गेनाइज किया, हमारी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने आपको अप्रोच किया था या आपने उनको? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे मुवक्किल दोस्त यहां वहां की बातें करके कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। मिस्टर त्रिपाठी आप मुद्दे पर रहिए प्लीज। जी सोनिया जी, आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए, वीर से शादी करने के बाद से। मीर मेरे पति हैं। We got married 3 years back. And then... Correction. मीर आपके पति थे। He is dead now. Dead. उसी का तो केस चल रहा है। आप बोल गए क्या? Objection, Your Honor. मेरे क्लाइंट के साथ इधर उधर के सवाल करके उन्हें गुमराह किया जा रहा है। मिस्टर त्रिपाठी, आप अपने कमेंट्स अपने पास ही रखिए। Sorry, Your Honor, my mistake. तो सोनिया जी, आपने मिहिर से शादी की तो आप उन्हें प्यार भी करती हो, लेकिन किस्मत का खेल था, उनकी मौत हुई भी तो साल के सबसे प्यार भरे दिन 14th फेब को, और आपके मैरिज सर्टिफिकेट के हिसाब से ये तारीख आपके और मिहिर की सालगिरह की भी तारीख है। यस, यू आर राइट।
14 फरवरी को ही मीर ने मुझे प्रपोज किया था और उसी दिन हमारी शादी भी हुई थी। तो बताइए मिसेस सोनिया, 14 फरवरी की रात को क्या हुआ था? कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, तुम जल्दी आने वाली थी ना। You knew this was the most important commitment of my life. मेरी पूरी फैमिली थी, सब लोग थे, सिवाय तुम्हारे। मेरी पत्नी के, जो अपने किसी फिल्मी कमिटमेंट में बिजी थी, राइट? कब तक झूठ बोलोगी सोनिया? मैं जानता हूँ कोई कमिटमेंट थी ही नहीं। You know how my life is, right? और कब तक मुझे मेरे करियर के नाम पे तुम ऐसे ताने देते रहोगे मीर? I'm tired. मैं रोज रोज तुमसे झगड़ा करके ऐसे थक चुकी हूँ, प्लीज। मैं जानता हूँ कोई कमिटमेंट वमिटमेंट नहीं है तुम्हारी, तुम किसी और मर्द के साथ वक्त गुजार रही थी, राइट? आई न्यू दिस, मैं जानती थी यू विल थ्रो दिस ऑन माय फेस। आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माय पास्ट, ये सोच के कि तुम एक समझदार इंसान हो मीर, बट नो, आई वाज रॉन्ग, आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग। तुम एक इमेच्योर इंसान हो और हमेशा वही रहोगे। एंड यू नो व्हाट, योर माइंड इज सो चीप एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू। यू मीन मेरा दिमाग चीप है और तुम्हारी सोच सोनिया वो बहुत शुद्ध है, पवित्र। तुमने एक नहीं 100 बार कहा है कि आई डोंट लाइक कि तुम लोगों के लिए प्रदर्शनी बनो। तुम मेरी हो सोनिया, और कोई दूसरा मर्द तुम्हें छूता है ना तो मेरी जान जल जाती है, जान जल जाती है मेरी। तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम ये बात समझने को तैयार ही नहीं। क्या समझूं मैं, ये सब मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है, ये तुम अच्छे से जानते हो ना। अगर तुमने मुझसे प्यार किया है मीर, तो मेरी चॉइस, मेरे प्रोफेशन को तुमने अपनाना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा। और अगर नहीं पसंद था तो क्यों शादी की मुझसे? मीर, मीर, आई लव यू। मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूं? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं मीर, प्लीज। बात यकीन की नहीं है सोनिया, बात प्यार की है, इंपॉर्टेंस की है और प्रायोरिटीज की है। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है मीर, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। मगर अनफॉर्चुनेटली तुम्हें ये दिखाई नहीं देता, शायद हम दोनों ने शादी करने में ज्यादा जल्दबाजी कर दी। थोड़ा सोचना चाहिए था हमें। गुड नाइट।
सोनिया मुखर्जी? यस। दरअसल हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी थी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? इस वक्त मतलब श्योर कम इन। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, इज एवरीथिंग ओके? हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ से गोली चलने की आवाज आई। व्हाट? गोली? आई डोंट नो अबाउट इट, मैं तो सो रही थी, मैंने तो कोई गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। इस घर में कोई गन है? यस, आई मीन मेरे पास एक रजिस्टर्ड गन है जो मेरे हस्बैंड ने 2 साल पहले दी थी फॉर माई ओन सेफ्टी। सर, मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से मुझे वो गन कैरी करनी पड़ रही थी, बट इट वॉज ऑल इन द न्यूज। आपके हस्बैंड कहाँ हैं वो? हाँ, घर पे ही है वो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सो रहे थे, बट मस्ट बी इन द स्टडी रूम, वो रात भर बहुत लेट काम करते हैं, शायद वहीं सो गए होंगे। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? शायद उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी हो। शो प्लीज। सब आपने भी सुना ही होगा, अभी सोनिया जी ने अपने मुंह से कबूल किया एक्सीडेंट स्पॉट पे जो गन थी वो इन्हीं की थी। गन की लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कॉपी आपके डेस्क पर। त्रिपाठी जी, आप सीधा मुद्दे पर क्यों नहीं आते हैं? बातों को घुमा घुमा कर ही कहते रहते हैं। योर ऑनर, फोरेंसिक की वो रिपोर्ट जो ये बताती है कि उस गन पर सोनिया जी के ही फिंगरप्रिंट्स हैं, आपके टेबल पे रखी है, और बलिस्टिक की ये रिपोर्ट जो ये बताती है कि जिस गोली से मरहूम मिहिर की हत्या की गई है वो गोली इनकी गन की गोली से एग्जैक्ट मैच करती है, उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने रखी है। और ठीक उसी तरह मुजरिम भी आपके सामने है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरा क्लाइंट इनोसेंट है या गिल्टी इसका फैसला कोर्ट करेगी, ना कि त्रिपाठी जी। सस्टेन। मिस्टर त्रिपाठी, आप फैसला अदालत पर ही छोड़ दे तो अच्छा होगा। जी गलत जी। योर ऑनर, ये सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। ऑफ कोर्स ये गन जो है वो मेरे क्लाइंट की है, उस पर जो प्रिंट्स हैं वो भी मेरे क्लाइंट के हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी अभी त्रिपाठी जी ने आपको दी है। लेकिन योर ऑनर, मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि पुलिस ने बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया है मेरे क्लाइंट के पर्सनल आइटम्स, उनका लगेज, उनके कपड़े सब चेक किए गए, लेकिन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के किसी भी पर्सनल आइटम पर गन पाउडर का निशान नहीं है। तो इससे यह साबित नहीं होता है कि मेरे क्लाइंट ने मिस्टर मिहिर पर गोली चलाई। और त्रिपाठी जी का यह क्लेम भी यहां पे साबित नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिस्टर त्रिपाठी। कोर्ट आपको नए एविडेंस और विटनेस के लिए 2 दिन का वक्त देती है। Court is adjourned. Your Honor, thank you very much. जो आपने मुझे 2 दिन दिए, जिसकी वजह से मैं कुछ गवाह ढूंढ पाया, और मैं एक गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है नंदिनी। इजाजत है। ये मिहिर की एक्स वाइफ नंदिनी जी, आपके आंसू देखकर इस कोर्ट में प्यार के कई दावे किए गए, लेकिन आपके आंसू देखकर ऐसा लगता है कि आपने सच में मिहिर से प्यार किया था। तो क्या आप कोर्ट को बताएंगी प्लीज कि लास्ट टाइम आप मिहिर से कब मिली थी, कहां मिली थी, और आपके बीच क्या बातें हुई थी?
अरे नंदिनी आओ ना, आओ आओ। क्या हुआ? सब ठीक है? पैर में चोट लगी है क्या? अरे बस छोटी सी चोट है, वो मैं डॉक्टर के यहाँ से आ रहा था, फिसल गया तो लग गई, कोई नहीं ठीक हो जाएगी। अच्छा चलो बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ आओ ना। पता नहीं मिहिर कैसे लगा लेते हो चोट ना। होता रहता है छोटी मोटी चीजें, पर नंदिनी आज मैंने तुम्हें इस वजह से यहाँ नहीं बुलाया है। मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, सोनिया की वजह से ना। बात काफी बिगड़ती जा रही है ना तुम दोनों के बीच। नंदिनी अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, सोनिया से शादी करके मुझे लगा था कि मैं बहुत खुश रहूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूं, पर मेरा यही प्यार मेरे दुख की वजह बन गया है। बट मेरी सोनिया मुझे मेरे पास चाहिए, दुनिया के सामने नाचती हुई सोनिया नहीं चाहिए मुझे। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए उसके ड्रीम्स, उसका पैशन सब कुछ है, मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। नंदिनी मुझे तो लगता है कि मुझसे प्यार भी नहीं करती अब। नंदिनी शी इज चीटिंग ऑन मी, और मैं उससे तलाक लेना चाहता हूं, मैं हमेशा के लिए उसको अपने से दूर करना चाहता हूं। देखो मैं मानता हूं कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, लेकिन गलती सुधारने का मौका भी तो मिलता है ना नंदिनी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं, सुधारना चाहता हूं अपनी गलती। सो नंदिनी जी आप ये कह रही हैं कि मिहिर ने खुद आपसे ये बोला था कि वो सोनिया से डिवोर्स लेना चाहते हैं। Yes, Your Honor. He was very much clear about it. चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा सोनिया। सोनिया की हालत ठीक नहीं है, इसलिए कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे। नेक्स्ट हियरिंग मंडे को होगी। वाह वाह सोनिया जी, आप एक्टिंग तो बखूबी कर लेती हैं। कैसे रोई आप हा? जब आपने सुना कि मिहिर जी आपको छोड़ना चाहते थे, आपको डिवोर्स देना चाहते थे, क्या रोई आप? जैसे आपने पहली बार सुना हो ये। अरे आपको तो सब पता था पहले से। योर ऑनर, एविडेंस पेश करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कोर्ट को। आखिरकार एक पत्नी पर अपने पति को मारने का इल्जाम था, ऐसा क्या हुआ जो दो प्यार करने वालों के बीच में दरार आ गई? मिसेस सोनिया, क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि आप दोनों के संबंध कैसे चल रहे थे? मिहिर, व्हाट इज दिस? हैप्पी, सुपर हैप्पी। बहुत प्यार करता था मिहिर मुझसे, मेरी केयर भी करता था। आई वॉज दी हैप्पीएस्ट व्हेन आई वॉज अराउंड हिम। He was just like my soulmate. जिंदगी में जिस तरह का प्यार मैं पाना चाहती थी वो मुझे मिहिर में मिला, और जब जब उसने मुझसे मेरा हाथ मांगा, I said yes to him. से शादी करना चाहता हूँ। वाह सोनिया जी वाह, कितने खुशनसीब हैं आप। काश आपकी तरह और लोग भी इतने ही खुशनसीब होते।
जिनको उनका जीवन साथी उनका सोलमेट मिलता। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में तो प्यार बरकरार था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या झगड़ा बना? पहले उन्हें आपकी इंडस्ट्री लाइफ से दिक्कत नहीं थी, बाद में हो गई। बाय सुलीर। कहां थी? कहां थी? कहां चली गई थी? आई कॉल यू ब्लडी 54 टाइम्स, मेरा फोन आंसर क्यों नहीं किया तुमने? क्या कर रहे हो मीर? लीव मी, मीर यू हर्टिंग मी। पागल हो गए हो क्या? इतनी बार कोई कॉल करता है किसी को, और मैं तुम्हें बता के गई थी ना कि मेरा इंटरव्यू है, वहीं गई थी, और ये भी बताया था कि लेट हो जाऊंगी, सो व्हाट्स प्रॉब्लम? झूठ बोल रही हो मुझसे? झूठ बोल रही हो? मैं जानता हूं तुम उस लड़के के साथ थी, विक्रम, वही नाम है ना उसका? मिहिर, वो मेरा को एक्टर है, वो फिल्म में भी है, इसलिए इंटरव्यू में भी होगा ना। तुम इतना सस्पिशियस क्यों हो रहे हो? सस्पिशियस कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि तुम उस विक्रम से अकेले ना मिलो। आई विल मेक श्योर। मिहिर, लिसन टू मी। शादी के बाद काफी बदलाव आते हैं मिस्टर त्रिपाठी, कभी हालात बदलते हैं तो कभी कुछ लोग, मगर हमारी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे थे वो हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे नहीं थे। आप कहना क्या चाह रही हैं सोनिया जी? किस बदलाव की बात कर रही हैं? हम दोनों अपनी लाइफ में काफी बिजी हो गए थे, मैं अपनी फिल्मों में बिजी थी, वो अपने न्यू बिजनेस में बिजी थे, हम दोनों सक्सेस की तरफ बढ़ रहे थे, बस एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। जब मैं फ्री होती थी तो वो बिजी होते थे, जब वो फ्री होते थे तो मैं बिजी होती थी, और इसीलिए वो शायद पिछले महीने आपसे आपके सेट पे मिलने आए थे, राइट? लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप जरा बताएंगे, समझाएंगे हमें कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपके को स्टार को एक्टर विक्रम खन्ना ने आपके पति मिहिर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी? तुम ही मेरी पहली और आखिरी चाहत हो, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। क्या हो रहा है? What's going on? क्या हो रहा है? मिहिर रिलैक्स। मिहिर क्या हो रहा है? चुप चुप। आई नो यहां कुछ गड़बड़ चल रही है, एंड यू मिस आदमी के साथ सो रही हो? नहीं, you are getting it all wrong, we are rehearsing. Rehearsing? Wow! काम कर। कैसी रिहर्सिंग है? कि मेरी शादी को कैसे तोड़ना है, सोनिया और मुझको अलग कैसे करना है? नहीं, बहुत possessive, intrusive और insecure हो गए थे। वो मुझे अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देना चाहते थे। He used to come on my set. मेरे शूटिंग स्केड्यूल को खराब कर देते थे वो। मेरा करियर वैसे ही खत्म हो रहा था। वो चाहता था कि मैं अपनी इंडस्ट्री क्विट कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। Because I love my acting. Acting is my passion. और यही बात है योर ऑनर, मिहिर को मारने की यही ठोस वजह है। जब सोनिया जी को लगा कि उनके करियर के आड़े मिहिर जी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सोलमेट की हत्या कर दी। पैसा और फेम के लालच में इन्होंने अपने सोलमेट का खून कर दिया, गोली से कोल्ड ब्लडेड मर्डर। बहुत बढ़िया त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी बहुत जल्दी में, त्रिपाठी जी बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के मेरे क्लाइंट को गुनहगार साबित करने में जुटे हुए हैं। सोनिया जी, अभी अभी जो भी त्रिपाठी जी ने कहा, क्या वो सच है? नो, दैट्स नॉट ट्रू योर ऑनर। अगर एक्टिंग मेरा पहला प्यार है तो मेरी जिंदगी का पहला प्यार मिहिर थे और हमेशा वही रहेंगे। शायद आप लोग नहीं जानते कि मिहिर के लिए मैंने अपनी इंडस्ट्री एक साल के लिए क्विट भी की थी, बट नथिंग चेंज्ड, हिज बिहेवियर वाज स्टिल द सेम। तुम्हारा वेंचर कितने अच्छे से लॉन्च हो गया है ना, बहुत मजा आया।
I just loved it. हाँ, मजा तो तुम्हें आया ही होगा ना. नए नए आदमी थे, नई नई बातें, फोटोज खिंचवाए, नंबर एक्सचेंज ही किया. Oh, so sad. मिहिर, प्लीज, वो तुम्हारे फ्रेंड्स थे, तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स थे. एज अ होस्ट मैं बस उन्हें अच्छे से ट्रीट कर रही थी ताकि तुम्हारी रेपुटेशन बरकरार रहे. हाँ, माय रेपुटेशन, वाओ. और मैं वहां पर एज अ फिल्म स्टार नहीं गई थी, मैं गई थी एज योर वाइफ. मिहिर, मैंने अपनी इंडस्ट्री भी तुम्हारे लिए क्विट की है. यू नो व्हाई? बिकॉज आई लव यू. एक बात बोलो सोनिया, अगर तुम मेरे लिए वहां होती ना, तो मेरे साथ खड़ी होती, दूसरे मर्दों के साथ नहीं. प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. मुझे वो सोचने पे मजबूर मत करो जो तुमने अपने पिछले दो पतियों के साथ किया, वो मेरे साथ भी करोगी, समझी? बेवकूफ नहीं हूं मैं. मैंने एक साल मिहिर को दिया, मगर उसके बावजूद भी वो मेरे साथ खुश नहीं था, और मैं भी उसके साथ खुश नहीं थी. मैंने एक भी फिल्म साइन नहीं की, सारे ऑफर्स ठुकरा दिए, बट देन आई रियलाइज दैट नथिंग इज गोइंग टू चेंज. वो जैसा था वो वैसा ही रहा. एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे अपनी इंडस्ट्री वापस से ज्वाइन कर लीजिए, और मैंने ज्वाइन कर ली. ओके सोनिया जी, हम सब अपने पहले प्यार के पास वापस जाना चाहते हैं. मेरा भी सिंगिंग पहला प्यार था, पर अफसोस जा नहीं पाया. अच्छा, पहले प्यार से मुझे याद आया कि सोनिया जी की पहले भी दो शादियां हो चुकी हैं, राइट? वैसे गौर किया जाए तो आपके इन तीनों पतियों में बहुत सी सिमिलैरिटीज. ऑल ऑफ देम वर रिच, यंग एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. और ये तीनों शादियां सिर्फ दो तीन साल ही चल पाई, उससे ज्यादा नहीं. फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पहले दो पति जिंदा हैं, मिहिर नहीं. ऑब्जेक्शन योर ऑनर. मेरे क्लाइंट के कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है. कोशिश नहीं योर ऑनर, मैं तो वो बोल रहा हूं जो सच है. सब जानते हैं. क्यों सुनिए, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जो झूठ है? पर सच ये भी है मिस्टर त्रिपाठी कि मैंने अपने किसी भी रिलेशनशिप में किसी को भी चीट नहीं किया. मैं हमेशा से लॉयल रही हूं. योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि सोनिया जी ने मरहूम मिहिर को चीट किया था. और जब ये बात इन्हें पता चली तो अपनी बेवफाई को छिपाने के लिए कातिल सोनिया ने मिहिर की हत्या कर दी. साहब, इससे बड़ा सबूत और कोई हो ही नहीं सकता.
जिसमें मिहिर और सोनिया दोनों की आवाजें, और ये रिकॉर्डेड फाइल उसी रात को रिकॉर्ड हुई जिस दिन मिहिर जी का मर्डर हुआ। मिहिर का मर्डर किसी और ने नहीं, सोनिया जी ने ही किया। आई थिंक दिस एविडेंस इज इनफ योर ऑनर, एंड आई सबमिट दिस एविडेंस एज 2A। बट आई डिड नॉट किल हिम, मैंने नहीं मारा है, मैंने अपने पति को नहीं मारा, आई डिड नॉट किल हिम। योर ऑनर, ये ऑडियो क्लिप एक नया एविडेंस है, मैं इसे खुद एग्जामिन करना चाहूंगा, और वैसे भी एक ऑडियो क्लिप के बेसिस पर किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता है। प्रशांत, कोर्ट आपको 2 दिन का वक्त देता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। योर ऑनर, पिछली बार त्रिपाठी जी ने एक ऑडियो क्लिप के रूप में कोर्ट में एक एविडेंस पेश किया था। योर ऑनर, मैंने उस पर इंडिपेंडेंट स्टडी की है और उसका रिजल्ट मैं कोर्ट के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं तुम्हारा करियर पूरा स्पॉइल कर दूंगा, और जिस तरह नाम और शोहरत की वजह से तुम ये सब कर रही हो ना, वो सब छीन लूंगा। सोनिया जी, ये आवाजें सुनी आपने? जी। किसकी है? इस ऑडियो में जो आवाजें हैं वो मेरी और मिहिर की है, मगर मैंने मिहिर को अपनी सक्सेस के लिए कभी कांटा नहीं समझा। लेकिन हाँ, इसमें आखिरी में जो बोला गया है ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला जो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस सोनिया ने अभी अभी एक्सेप्ट किया कि ये जो ऑडियो क्लिप में आवाजें हैं वो इनकी और इनके मरहूम पति मिहिर की है, लेकिन आखिरी की 2 लाइनें उनकी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यस योर ऑनर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहां, और इसी के मद्देनजर मैं अपने पहले गवाह मिस्टर हसन को कोर्ट में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत? थैंक यू। मिस्टर हसन, आप कौन हैं, क्या करते हैं, कोर्ट को बताइए। योर ऑनर, मैं साउंड इंजीनियर और मिक्सर हूँ। मैंने ये ऑडियो टेप्स कई बार पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में उनकी हेल्प करी है। मिस्टर हसन, मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप दी थी, उसकी क्या जांच की आप? सर, वो ऑडियो टेप्स एडिटेड है। एडिटेड मतलब? यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आसान चीज़ें भी आसानी से समझ में नहीं आती, थोड़ा खुल के बताइए, क्लैरिटी हो जाएगी। मे आई? या। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, और मैं तुम्हें हरगिज़ मेरे करियर के बीच में आने नहीं दूंगी, और इसका एक ही तरीका है। योर ऑनर, ये एंड में जो आवाज़ है ये एडिशनली एडिड है। क्या आप कैसे कह सकते हैं? योर ऑनर, ये जो आखिरी की जो लाइनें हैं और इसमें जो गन शॉट की जो आवाज़ है उसमें बैकग्राउंड एम्बियंस जो है वो अलग है, बिल्कुल अलग, और जो एडिटेड साउंड है वो बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है कि वो मिक्सिंग में ऐड किया गया है। थैंक यू मिस्टर हसन, आप जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। अब तो सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये सब सुनने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है, ये जो ऑडियो क्लिप है ये यूजलेस है, और ये केस को गुमराह करने के लिए क्रिएट की गई है। लेकिन इसे ये साबित नहीं हो जाता कि सोनिया जी बेगुनाह है। खून तो हुआ है और उसे साबित करना होगा। वही तो कर रहे हैं त्रिपाठी जी। अच्छा त्रिपाठी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि गलत एविडेंस देने के लिए आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। कोर्ट आपको नए एविडेंस और विटनेस के लिए 2 दिन का वक्त देती है। योर ऑनर, मैं ये साबित करने के लिए कि मरहूम मिहिर की मानसिक स्थिति खराब थी, मैं उनके थेरेपिस्ट मिस्टर चौगले को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिस्टर चौगले, आप कोर्ट को बताइए कि आप क्या करते हैं। योर ऑनर, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मेंटल हेल्थ और इश्यूज से डील करता हूँ। और मिस्टर मिहिर आपके पेशेंट कब से हैं? मिस्टर मिहिर पिछले 1 साल से मेरे पेशेंट थे। मिहिर से मेरी मुलाकात तब हुई थी
जब उनका डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा था, मैंने उनकी जांच की तो मुझे पता चला ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम पैनिक डिप्रेशन, और उनके इलाज के लिए मैंने रेगुलरली एंटी डिप्रेशन और हैवी एंटी एंजाइटी डोजेस प्रिस्क्राइब किए थे। ओके, तो ये बताइए कोर्ट को कि ऐसी सिचुएशन में पेशेंट के सुसाइड करने के क्या चांसेस हैं? देखिए रिस्क तो है, पर 1000 में से एक मिहिर सुसाइडल नहीं था। मिलॉर्ड, मिहिर का डिप्रेशन उनकी पत्नी की वजह से था। तो लास्ट आपकी बात उनसे कब हुई थी? जी, ऋषिकेश जाने से पहले। मुझे नंदिनी जी ने बताया कि उनकी एक लेग भी हर्ट थी। जी हाँ, वो क्रेचेस यूज करते थे। आप जा सकते। नो मोर विटनेसेस योर ऑनर। मिस्टर प्रशांत, आप कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, आई नीड 5 days टू गैदर ऑल द विटनेसेस। 5 days फॉर व्हाट योर ऑनर? ये कोर्ट का समय बर्बाद करने की एक छोटी सी कोशिश है। अब तक इन्होंने सबूत इकट्ठे नहीं किए, जो अब कर लेंगे। मिस्टर प्रशांत, कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूं। सोनिया को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ तुम। I hope you're not giving up now. Of course not. इतनी आसानी से हार नहीं मानता मैं। तुम्हें पता है वो मिहिर से बहुत प्यार करती थी। एक बार भी मन नहीं टकमगाया उसका। अच्छा, तुम ये बात इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो? There's no smoke without fire, my friend. तुमने रूमर्स तो सुने ही होंगे। Of course. डे वन से तुम्हारे और सोनिया के बीच अफेयर है, ये चर्चा पूरे देश में है। That's because I love her. बहुत प्यार करता हूँ उससे। विक्रम खन्ना के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उन सारे नंबर्स को सोनिया और मिहिर की कॉल लिस्ट से क्रॉस चेक करो। देखो अगर कोई नंबर मैच करता है तो। अभी दोपहर तक, आई डोंट हैव टाइम, एक ही दिन है हमारे पास। विक्रम खन्ना की सारी ट्रैवल डिटेल्स निकाली? कितना टाइम लगेगा यार? ओके, मैं यहाँ फुटेज चेक कर रहा हूँ। यस, मीर के बंगले की फुटेज गार्ड ने प्रोवाइड की है, बाद में फोन करता हूँ। इसका मतलब कि रात को 11 बजे से सुबह 5:30 बजे तक जब पुलिस बंगले में पहुंची, ना कोई बंगले के अंदर आया ना कोई बाहर गया। मीर बंगले में शाम को 6 बजे पहुंचा और सोनिया रात को 11 बजे। बीच बंगले में कोई नहीं है। Thank you.
मिस्टर प्रशांत, आपकी दो दिन की मोहलत पूरी हो चुकी है। योर ऑनर, मैं नंदिनी जी को यहां पर कुछ सवाल के लिए बुलाना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। ओके, थैंक यू। नंदिनी जी, आपने बताया कि मिस्टर मिहिर डिप्रेशन में थे और वो सोनिया जी से डिवोर्स लेना चाहते थे, तो आपको ये भी पता होगा कि वो स्लीपिंग पिल्स लेते थे। जी, इनफैक्ट डॉक्टर चोगले से मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था मिहिर को। अच्छा। मिहिर कई बार रात को मुझे कॉल करके बहुत रोया करते थे जब सोनिया घर में नहीं होती थी। नंदिनी जी, आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। योनर, प्रशांत जी वही बातें कर रहे हैं जो रिपीटेड हैं और कोर्ट का बेवजह समय जाया कर रहे हैं। योनर, मैंने कोर्ट से कुछ दिनों की मोहलत इसलिए मांगी थी क्योंकि मेरे हाथ कुछ ठोस सबूत लगे हैं जिससे कि इस केस का रुख ही बदल जाएगा। योर ऑनर, मैं यहां एक एक करके सभी एविडेंसेस के बारे में बात करूंगा जो यहां अभी तक पेश हुए हैं। सबसे पहला एविडेंस, वो रिकंस्ट्रक्टेड ऑडियो क्लिप जो कि त्रिपाठी जी ने यहां पेश की थी और जिसे मैंने झूठा साबित कर दिया था। योर ऑनर, उसी की बिना पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस वक्त मिस्टर मिहिर को गोली लगी उस समय मेरी क्लाइंट सोनिया उनके सामने थी ही नहीं। योर ऑनर, मिस्टर त्रिपाठी अपने विटनेसेस नंदिनी जी डॉक्टर चौगले के थ्रू ये प्रूव करना चाहते हैं कि मिस्टर मिहिर डिप्रेशन में थे और उनके डिप्रेशन की वजह और कोई नहीं बल्कि उनकी खुद की पत्नी मेरी क्लाइंट सोनिया जी थी। इनका कहना है कि मिस्टर मिहिर मेरी क्लाइंट सोनिया के साथ अपनी शादी से खुश नहीं थे, उनसे डिवोर्स लेना चाहते थे। योर ऑनर, यह सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट क्यों करते। योर ऑनर, मैं मिस्टर मिहिर के मैनेजर जगदीप जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ओके। मिस्टर जगदीप, आप कोर्ट को बताइए कि 14 फरवरी की रात को क्या हुआ था। सर, 14 फरवरी की रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास हाउसकीपिंग ने मिहिर सर और सोनिया मैम को लड़ते हुए सुना था। आप मिस्टर मिहिर से लास्ट कब मिले थे। सर 10 बजे के आसपास की बात होगी। जब आप मिस्टर मिहिर से मिले थे तो आपको ऐसा लगा कि वो गुस्से में थे या फिर उनकी सोनिया जी से कोई लड़ाई वड़ाई, ऐसा कुछ लगा। बिल्कुल नहीं सर। सर बल्कि मुझे तो आश्चर्य हुआ क्योंकि जब मैं रूम के अंदर गया तो मिहिर सर ने मुझे सोनिया मैडम के लिए गिफ्ट रेडी करने के लिए बोला था क्योंकि दो दिन बाद सोनिया मैम का बर्थडे था। लेकिन सर, वो लिस्ट में एक कार्ड ऐसा था जो मैं सोनिया मैम को दे नहीं सका। हम दे देते। जाइए जगदीप जी। थैंक यू सो मच। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस सोनिया ने ही मिस्टर मिहिर का मर्डर किया है। इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इतने कन्विंस थे कि उन्होंने घर की सीसीटीवी फुटेज भी ढंग से नहीं देखी। उनके मुताबिक रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जब तक पुलिस वहां आई उस बीच उस बंगले से कोई बाहर नहीं गया और ना कोई अंदर आया। योर ऑनर, मैं यहां सबको यह बताना चाहूंगा कि सोनिया के घर पे आने से पहले मिस्टर मिहिर के मैनेजर जगदीप वहां आए थे जिनको मिस्टर मिहिर ने एक गिफ्ट्स की लिस्ट दी थी और एक ग्रीटिंग कार्ड भी दिया था जिस पर मिस्टर मिहिर के और जगदीप के फिंगरप्रिंट्स भी मिले। मैं चाहता हूं कि यह ग्रीटिंग कार्ड आप पढ़ें और इस पर लिखा हुआ मैसेज भी जरूर पढ़ें। योर ऑनर, ये कोई लव मैसेज नहीं है, ये एक थ्रेट थी। मिहिर सोनिया की लाइफ को रुइन करना चाहता था और इसीलिए उसने ये सब प्लान किया था।
could you just come to my home? थोड़ा अर्जेंट है. हेलो सर. ओ हाय जगदीप, आ गए. सर आपने कॉल किया था. या मैन, दो दिन बाद मेरी बीवी का बर्थडे है जगदीप. And I wanna surprise her. ये कुछ गिफ्ट्स की लिस्ट है और इस फोल्डर में भी बहुत सारी चीजें हैं. ब्रेकफास्ट के साथ उन तक पहुंचा देना. Sure sir, I'll do that. और हाँ, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है. अरे वाह, कांग्रेचुलेशन सर. थैंक यू. तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज के लिए कोई बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स करो. हो जाएगा. ओके, थैंक यू. बाय, गुड नाइट. ये एक मर्डर नहीं, सुसाइड केस है. योर ऑनर, इस कार्ड पर लिखा यह मैसेज यही दर्शाता है कि मिहिर ने अपनी यह सुसाइड पहले से ही प्लान की थी और ऐसे प्लान की थी कि यह एक मर्डर लगे, जिसका सारा ब्लेम मेरी क्लाइंट मिस सोनिया पर आए. अब सबसे जरूरी बात यह है कि उसने खुद को मारा कैसे ताकि वो एक मर्डर लगे. योर ऑनर, आपको याद होगा कि मिस्टर मिहिर क्रचेस यूज कर रहे थे, जो कि अभी अभी नंदिनी और डॉक्टर चोगले ने भी बताया. अब मैं बताता हूं कि यह सब हुआ कैसे. हिर ने सोनिया की ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिलाई ताकि उसे गन की आवाज सुनाई ना दे. मिहिर ने सबसे पहले सोनिया के बैग से एक कपड़े का इस्तेमाल करके उस गन को निकाला ताकि मिहिर के फिंगरप्रिंट्स उस गन पे ना आए. उन्होंने उस गन को अपनी टेबल के एक पेन स्टैंड में अच्छे से प्लेस किया और गन का फेस अपनी चेयर की तरफ रखा. तो हुआ यह कि उन्होंने अपना क्रच यूज किया. क्रच की बॉटम साइड से गन का ट्रिगर प्रेस किया और गोली उनको आकर लगी. और गन के थ्रस्ट फोर्स से गन बेड पर जाकर गिरी और गोली लगने से उनके क्रच दूर जाकर गिर गए. योर ऑनर, मिहिर ने सोनिया की गन यूज की ताकि सारा ब्लेम सोनिया पर आए. ये एक मर्डर नहीं, सुसाइड था. फॉरेंसिक की रिपोर्ट में मिहिर के क्रचेस से गन पाउडर पाया गया है. हेंस माय क्लाइंट इज इनोसेंट. आई रेस्ट माय केस योर ऑनर. प्रोसिक्यूशन ने जो भी सबूत पेश किए उसे मर्डर साबित नहीं होता, इसलिए सोनिया को बाइज्जत बरी किया जाता है. मैंने कहा था ना, सच की हमेशा जीत होती है. हाँ विक्रम, बोलो.